रजनीकांत की एक साल की कमाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, इतने करोड़ लेते हैं एक फिल्म की फीस। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत, या फिर यूं कहें कि पूरे भारत के सुपरस्टार रजनीकांत, आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। एक समय यह भी था जब बस कंडक्टर की नौकरी करते थे, मगर फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपने अंदाज ने लोगों के दिलों पर राज किया। साउथ इंडस्ट्री में रजनीकांत को भगवान का दर्जा दिया जाता है, रजनीकांत को भी दर्जा मिला है, वह शायद अभी तक किसी एक्टर को नहीं मिला। यहाँ तक कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस मामले में उनके सामने फीके साबित होते हैं, क्योंकि रजनीकांत की फ़ैन फॉलोइंग कुछ इस प्रकार है। 71 साल की उम्र में भी रजनीकांत का स्टारडम कम नहीं हुआ, यह बात बिल्कुल चौंकाने वाली है। बड़े से बड़े अभिनेता भी इस उम्र में ढलान की तरफ होता है। अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन का करियर भी इस उम्र में इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, हालांकि उन्हें काम ज़रूर मिल रहा था, मगर उन अपने दम पर वो फिल्म को इतनी बड़ी हिट नहीं कर पाते थे। आज भी रजनीकांत की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही 200-400 करोड़ का बिजनेस आसानी से कर लेती है। फिल्म आते ही भीड़ सिनेमा घरों की तरफ दौड़ने लगती है और रिकॉर्ड बन जाता है। 2018 में रजनीकांत फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में शामिल हुए थे, उन्हें अमीर एक्टर की लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी रजनीकांत एक फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपये लेते हैं। इतनी बड़ी फीस आजकल बड़े बड़े सुपरस्टारों को भी नसीब नहीं होती। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार भी 50 करोड़ रुपये के आसपास की फीस लेते हैं, मगर रजनीकांत का रुतबा 71 साल की उम्र में भी बना हुआ है। रजनीकांत हर साल 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं, उनकी संपत्ति 6000 करोड़ के आसपास है।